क्यों नहीं बोले साहब, क्यों नहीं बोले। हमारे देश के भ्रष्टाचारियों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आजाद आवाजों को कुचल दिया है। लेकिन आजाद आवाजें कैद नहीं होती, यह हिंदुस्तान की आवाज। हिंदुस्तान में कहीं से कहीं पे हिंदुस्तान। बेलसा जिले के गंज बसौदा में पत्रकार पर हुई झूठी छेड़छाड़ की FIR, विरोध में अर्धनग्न हुए पत्रकार। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के गंज बसौदा लटेरी में पत्रकार पर हुई झूठी छेड़छाड़ की FIR के विरोध में अर्धनग्न हुए समस्त पत्रकारों ने लटेरी थाने के सामने 5 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पत्रकारों ने लटेरी पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घटना की जानकारी मिलने के बाद SDOP सौरभ तिवारी मौके पर पहुंचे और निष्पक्ष जांच की आश्वासन देते हुए पत्रकारों को समझाने की कोशिश करते रहे। लटेरी के पत्रकारों की मांग है कि TV पत्रकार विनोद सूर्यवंशी के खिलाफ की गई झूठी FIR का खात्मा किया जाए। वहीं पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला ने पत्रकारों को आश्वासन दिया है कि मामले की एडिशनल SP से जांच कराई जाएगी। अगर महिला ने पत्रकार के खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराई है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस अवसर पर विधायक उमाकांत शर्मा ने घटना की घोर निंदा करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ गंज बसौदा ने जिला पुलिस अधीक्षक के नाम SDOP को ज्ञापन सौंप कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। जांच करके झूठी छेड़छाड़ की FIR को खत्म किया जाए। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। लगातार प्रकाशित किए जाने के कारण एक दुकान पर काम करने वाली महिला द्वारा छेड़छाड़ का झूठा मामला दर्ज कराया गया है। उक्त मामले को बंद किया जाए एवं हमारी अन्य मांगे इस प्रकार हैं: दर्ज की गई FIR निरस्त की जाए, लटेरी थाना प्रभारी काशीराम कुशवाहा तथा SI मनोहर चौहान को तत्काल लाइन अटैक सहित 354 के मामले में FIR कर्ता अधिकारी एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ गंज बसौदा सेवा में श्रीमान SP महोदय गंज बसौदा जिला विदिशा मध्य प्रदेश। जैसे पत्रकार विनोद सूर्यवंशी के विरुद्ध दीपक नाम की दुकान पर काम करने वाली महिला द्वारा झूठी रिपोर्ट प्रकाशित किए जाने के कारण एक दुकान पर काम करने वाली महिला द्वारा छेड़छाड़ का झूठा मामला दर्ज कराया गया है। उक्त मामले को बंद किया जाए एवं हमारी अन्य मांगे इस प्रकार हैं: नहीं, मुझे घटना की कोई अन्य जानकारी नहीं है। मैं तो केवल एक सामान्य जो न्यायिक प्रक्रिया है या कानूनी प्रक्रिया है जो पुलिस के माध्यम से शुरुआत होती है उसके बारे में बता सकता हूँ कि धारा 154 CRPC के तहत ये बाध्यता है कि जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति स्वयं को अपने आप को पीड़ित बताते हुए अगर पुलिस के पास किसी संज्ञेय अपराध की सूचना देगा तो धारा 154 CRPC के तहत उसे अपराध पंजीबद्ध करना ही पड़ेगा। ये कानूनी बाध्यता है। बाकी इसकी निष्पक्ष जांच के लिए जैसा साक्ष्य मिलेगा या उपलब्ध होगा या उपलब्ध कराया जाएगा उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई होती है, जिसमें बाकायदा कानूनी प्रावधान है कि खात्मा भी भेजा जाता है अपर्याप्त साक्ष्य पर। कतई साक्ष्य नहीं होगा या बिल्कुल मिथ्या सूचना होगी तो उस पर खारिजी भेजी जाती है, और अगर पर्याप्त साक्ष्य होता है तो फिर उसमें चालान पेश किया। तो हमें उन तीनों प्रक्रियाओं पर विश्वास करना चाहिए और इस पर 1861 से विश्वास हो रहा है। इसलिए के पत्रकार साथी जो हैं उनके ऊपर झूठी FIR दर्ज की गई है पुलिस प्रशासन द्वारा, जो कि काफ़ी लंबे समय से वो जुए सट्टे की लेकर खबरें लगा रहे थे और कल उनके पक्ष में कई जगह धरना प्रदर्शन किए गए हैं। तो हम लोगों ने आज जो ज्ञापन दिया गया है SP महोदय के नाम, उनसे ये कहा गया है कि उसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जाए और जांच भी उच्च अधिकारी से की जाए। जांच के बाद जो पाया जाए तत्व फिर उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। सुनने में आ रहा है कि उनका अरेस्ट भी कर लिया गया है इंस्टेंट तुरंत, उसी को लेकर कर कई पत्रकारों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है, कई धरने, और SP महोदय से कई लोगों की बात भी हुई है तो उन्होंने कहा है 7 दिवस के अंदर हम जांच करेंगे, जांच के जो भी पाया जाएगा उस हिसाब से कार्रवाई।